हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं एंड हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे। व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉक रिसेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा, जो कॉर्क होता है उसको ना रॉबर्ट हुक जब एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क था ये काफी हद तक किसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसा था। हनीकॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ये जो कॉर्क होता है ना ये एक पेड़ की बार्क से आता है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज कॉर्क बेसिकली। And this was in the year 1665 की बात है जब हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक अपने आप से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ये ऑब्जर्वेशन की, ये ऑब्जर्वेशन ली कि एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं या इसके अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये जो छोटे छोटे से बॉक्सेस रॉबर्ट हुक को दिखे थे बार्क ऑफ द ट्री उस कॉर्क के अंदर, उसको उन्होंने नाम दिया सेल्स। ये जो सेल है ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा सा रूम, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि सेल के बारे में पता कैसे चला, जो हम सेल बोलते हैं कहाँ से वो स्टार्ट हुआ बोलना, हमने कहाँ से स्टार्ट किया। दिस सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ऐसा लगेगा आपको कि बहुत छोटा और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस की मतलब जिसे कहना चाहिए ना हिस्ट्री में, क्योंकि इसी के बाद एक्चुअल रिसर्च स्टार्ट हुई, इसी के बाद लोगों को पता चला कि फाइनली सेल जैसी एक चीज है और उसके ऊपर आगे रिसर्च कर पाए। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ऑब्जर्व किया था कि लिविंग थिंग जो होती है उनके अंदर सेपरेट यूनिट्स होती है। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। यानी कि ये जो वर्ड है ना सेल, ये हम आज डेट तक यूज करते हैं। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? हम ये डिस्क्राइब करने के लिए इसको आज तक यूज करते हैं कि बेसिकली ये जो सेल है ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जिसे कहते हैं ना लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने जाना कि एक्चुअली सेल का जो नाम पढ़ा, कैसे पढ़ा, किसने कब खोजा सेल, ठीक है। तो ये नाम आपको बिल्कुल अच्छे से बाद तक याद रखना है, एंड दैट इज रॉबर्ट हुक, ठीक है। नाउ व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, हम एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द अनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। बेसिकली आपको क्या करना है ना, अनियन का एक पीस लेना है, जो जिस टाइम स्लाइड्स बनाते हैं आपके टीचर भी आपको शो करेंगे कि एक पर्टिकुलर लेयर आपको लेनी है, उसके बाद उसको ना आपको एक वॉच ग्लास में डालना है जिसमें पानी होता है। पानी इसलिए, पानी वाले वॉच ग्लास में इसलिए डालना है ताकि वो ड्राई ना हो, क्योंकि जैसे आप अनियन को बाहर निकालोगे उसके पार्ट को, वो ड्राई हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब आप एक ग्लास स्लाइड लीजिए, उसमें आप वाटर डालिए एंड उसमें छोटा पीस ऑफ जो ये अनियन है स्लाइड, उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ये इंश्योर करना है कि जो पील है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए स्लाइड से, ठीक है। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। बहुत बड़ी पील नहीं होती है, बहुत छोटी सी होती है, तो एक पेंट ब्रश जैसे जो हेयर होता है ना उसकी हेल्प से आप लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रिन इन सॉल्यूशन डालने से आपको स्टेन्स विजिबल हो जाते हैं कहाँ पे क्या चीज है। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। कई बार जब स्लाइड्स बनाते हैं तो एयर बबल फॉर्म हो जाते हैं, उस चीज को भी अवॉइड करना है। सारी एक्टिविटी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने टीचर की हेल्प से पूछ के कर सकते हो। एंड जनरली ये एक माइक्रोस्कोप का, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है कि कहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो स्टेज है, स्टेज पे यहाँ पे स्लाइड रखी हुई है, उसके ऊपर क्लिप लगा हुआ है ताकि वो मूव ना करे, एंड इसके ऊपर पूरा का पूरा स्लाइड के ऊपर भी कवर स्लिप लगाई हुई होती है, बट वो अलग पार्ट होती है। एंड ये आई पीस और क्या कहाँ कहाँ से आप देखते हो, इधर से बेसिकली यू वॉच ऑल दीज थिंग्स, ये सब मिलकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रही है। ये आप जब प्रैक्टिकली करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जब आप लोग अनियन के डायग्राम को देखोगे, मतलब उसको स्लाइड के अंदर देखोगे, तो वो इस टाइप का दिखेगा। ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं ये सेल्स हैं, ठीक है, थीके? और बीच में आपको जो पार्ट दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो पूरा बड़े बड़े पोर्शन है ये सेल्स है, और ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेल के अंदर जनरली होता ही है,
और ये हम अनियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना हुआ ना। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, ये व्हाट आर दी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली कैसे किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, अलग नहीं लग रहे। टुगेदर फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। उसके बाद ये इकट्ठा अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर। यानी कि आप अगर अलग अलग भी ले लोगे, अलग अलग साइज के भी बल्ब यू नो पीस लोगे अनियन का, तब भी उनके अंदर जो सेल होंगे वो सेम साइज के होंगे। ठीक है, मतलब जो भी चीज आपने ली अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस, उनके जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो सेम साइज के होंगे। द सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे कम केम फ्रॉम। तो यानी जो भी सेल हैं अनियन सेल के, वो सारे के सारे सेम लगेंगे। ऑल द सेल्स विल बी सेम, ठीक है, सारे सेल्स सेम होंगे। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन बल्ब। तो बेसिकली जैसे मैं घर की बात करूं, अगर एक घर जो बना होता है उसमें ईंटें होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक पूरा घर बनाया जाता है, उसके बाद सीमेंट लगाते हैं, फिर पेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ऐसे ही जो ये बना हुआ है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। केवल अनियन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये सब के सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, हाउ एवर देर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। जनरली तो बहुत सारा ग्रुप में मतलब सेल रहते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जीव जंतु के अंदर ग्रुप में आपको सेल मिलते हैं। लेकिन लेकिन एक और चीज है कि सिंगल सेल भी एग्जिस्ट करते हैं। सिंगल सेल एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, यानी कि उनको किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही एडजस्ट कर लेते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये याद रखना है आपको, किसने डिस्कवर किया, कौन से ईयर में डिस्कवर किया। उन्होंने कॉर्क को यू नो एक कॉर्क स्लाइस को जो एक पेड़ की बाग से लिया गया, उसको एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग की फॉर्म में है, एकदम स्टार्टिंग का जो माइक्रोस्कोप था उससे ऑब्जर्व किया। लियोनहॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद लियोनहॉक जो थे उन्होंने एक थोड़ा सा बेटर माइक्रोस्कोप यूज करके फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया पहली बार। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो 1665 में सेल की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, लिखते चलते हैं, अलग अलग ईयर की बात हो रही है। उसके बाद 1674 में लियोनहॉक ने किया, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। पार्किंजे इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्मा फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। यानी कि अगर मैं बात करूँ सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये अंदर जो चीजें हैं, इसको पार्किंजे ने 1839 में डिस्कवर किया कि भाई ये प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज सेल के अंदर होती है। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट स्केल्डेन एंड शिजवान। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने क्या बोला कि एक सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सबके अंदर सेल है, एंड जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल थ्योरी क्या कहती है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं उन सबके अंदर सेल है, दे आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये वाली थ्योरी इन दो साइंटिस्ट ने मिलके दी। आपको ना इनको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये सब कुछ, तो इसका आपको ध्यान रखना है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो सेल थ्योरी थी इसको बाद में एक्सपेंड किया विर्चो ने बाय सजेस्टिंग, क्या सजेस्ट करके, कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल में से अराइज करते हैं। मतलब कोई सेल है तो पहले एक सेल था, इसी में से न्यू सेल बनेगा। ठीक है, द सेल थ्योरी वो बाद में जो विर्चो ने एक्सटेंड करा, उसको बढ़ाया, उन्होंने ये बोला कि ऑल द सेल दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से नए सेल आते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल। तो फर्स्ट अगर मैं सेल की डिस्कवरी लेके चलूँ, वहां से लेके 1940 तक पूरा डिस्कवरी होती आई, एंड फाइनली हम लोग उसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो ऑब्जर्व कर पाए,
साइंस इज ऑल अबाउट यू नो धीरे 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 डिस्कवर होना. ऐसा नहीं है कि किसी ने एकदम से सब कुछ डिस्कवर कर दिया. सपोज किसी ने सेल का डायग्राम बताया, किसी ने न्यूक्लियस बताया, किसी ने कुछ और नई चीज बताई, किसी ने उसी से रिलेटेड कोई तीन चार चीजें बताई, चीज सारी साथ में मिल जाती हैं, देन फाइनली वी कैन से कि हाँ भाई अब क्या हो गया, अब एक पूरा का पूरा कोई चीज हमने डिस्कवर कर ली है. तो 1940 में आने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अलग होता है, ठीक है. तो जितने एडवांस आपके माइक्रोस्कोप होते गए उसके बाद काफी ज्यादा आसान हो गया चीजों को समझना. तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को आइडिया लग गया कि भाई क्या क्या चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट है. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाई लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. मैग्नीफाई लेंसेज जैसे जैसे डिस्कवर होते गए, उसकी इन्वेंशन होती गई, उससे हम लोग जो छोटी छोटी चीजें थी जिसको हम देख नहीं पाते थे, अब हम उसके बारे में पढ़ पा रहे थे, उनकी डिस्कवरी कर पा रहे थे. इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म. अब आज की डेट में हमको ये पता है कि जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर हों. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर एक सिंगल सेल हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर एक सिंगल सेल हो सकता है, दैट वी कैन अंडरस्टूड. नाउ क्लैमिडोमोनास पैरामीशियम बैक्टीरिया ऑल, मतलब इसमें से काफी सारे जितने भी हैं ये सब क्या है, सिंगल सेल्यूलर है. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनि का मतलब होता है वन. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक सेल होता है उसको हम लोग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और ऑन द अदर हैंड जब किसी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं या फिर सेल का ग्रुप होता है एक ही इंसान एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो हम उसको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं, जैसे कि फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल. कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. हम धीरे धीरे इन सब चीजों को कवर करते हुए चलेंगे. देर आर मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस जो हम चैप्टर के बाद में आपको मैं यू नो लिंक दे दूंगी, और नीचे इसकी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और एवरीथिंग यू विल फाइंड, ठीक है. नाउ एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. हाउ, इसने क्या बोला, कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल हैं वो एक सिंगल सेल से आया है. फिर पूछा कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सेल डिवाइड करते हैं. सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड. वो अपने ही जैसे सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए दे डिवाइड. ऑल सेल दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो जितने भी सेल्स आप देख रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से आए हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको बोला है कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील्स टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन और इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये जो है ना ये क्लासरूम एक्टिविटी है. ये आप लोग ना जब डिफरेंट डिफरेंट यू नो लीफ के पार्ट को, रूट्स को, इन सबको आप करके आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको कुछ चीजों का आंसर मिलेगा, ठीक है. तो उसने क्या बोला कि क्या सारे सेल सेम होते हैं, क्या सारे डिफरेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आपके धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है. नाउ कुछ ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड. किसी एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी के ये डिफरेंट डिफरेंट सेल आप देख सकते हो. यहाँ पे स्मूथ मसल सेल है, यहाँ पे ब्लड सेल है, यहाँ पे नर्व सेल है, यहाँ पे फैट सेल है, यहाँ बोन सेल है, यहाँ स्पर्म है, यहाँ ओवम है. सो दिस इज शोइंग डिफरेंट डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. ऑल्सो एक बात याद रखनी है कि सेल का जो साइज होता है या उसकी जो शेप होती है वो इस बात पे निर्भर करती है, वो इस चीज से रिलेटेड होती है कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है. मतलब अगर किसी की एक पर्टिकुलर टाइप की शेप या साइज है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन उसके फंक्शन के साथ होगा. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. यानी कि इन्होंने क्या बोला, जैसे अमेबा है, ठीक है. अमेबा अगर मैं बना दूं, अमेबा एक सिंगल सेल है लेकिन वो अपनी फॉर्म यू नो शेप चेंज करता रहता है क्योंकि उसको एनवायरमेंट में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने हैं, खाना खाना है, एक्सक्रेट आउट करना है वेस्ट को, इन सब चीज़ों के चक्कर में वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है. लेकिन कुछ केसेस में द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, यानी कि जो सेल की शेप होती है वो फिक्स हो सकती है या फिर एकदम एक पर्टिकुलर टाइप की यू नो शेप हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप. जैसे कि नर्व सेल्स जो होते हैं उनकी एक टिपिकल शेप होती है. नाउ नर्व सेल कहाँ पे थे एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे जो दिखाया गया है नर्व सेल, ठीक है. नाउ ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. बेसिकली कोई भी लिविंग सेल हो, एक एक लिविंग सेल
उसके ये खुद कर सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा. दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. यानी कि एक लिविंग सेल में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सारी चीजें कर सकता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकती है. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? नाउ कैसे ये लिविंग सेल ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा. वी नो दैट देर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग. अब ये एक बात बोल दी उसने कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है जितने भी ह्यूमन बींग की हम बात कर रहे हैं, या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? इसका मतलब होता है कि लेबर को डिवाइड करना, यानी जो जो काम जिसका है उसको डिवाइड कर देना. तो डिफरेंट पार्ट जो होंगे ह्यूमन बॉडी के, दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. द ह्यूमन बॉडी हैज अ हर्ट टू पंप ब्लड to our stomach to digest food and so on. एक बात है कि अगर एक पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड पंप हो रहा है, एक में खाने का काम हो रहा है, तो अलग अलग सेल्स होंगे जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ऐसा नहीं है कि सारे सब कुछ मिलके एक ही काम करेंगे, हर किसी का काम अलग अलग होगा. ठीक है, सिंगल सेल में आपको एक एक डिविजन ऑफ लेबर मिल सकता है. एक ही सेल के अंदर अलग अलग चीजें अलग अलग काम कर सकती है. कोई एनर्जी दे रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो एक ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, हर काम का बंटवारा आपको सिंगल सेल में देखने को मिलेगा. ठीक है, मतलब हर मल्टी सेलर में तो दिखेगा ही, लेकिन सिंगल में भी दिखेगा. इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल. यानी कि हर सेल के अंदर सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम उसको सेल ऑर्गेनेला बोलते हैं. इस चैप्टर में आप सेल ऑर्गेनेला डिटेल में पढ़ोगे, जैसे कि आपने एट्थ में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन अब आप और डिटेल में पढ़ोगे. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेला परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन. तो एक सेल के अंदर सबका अपना अपना काम है. कोई काम क्या कर रहा है, कोई नया सामान बना रहा है, कोई वेस्ट को रिमूव कर रहा है, कोई एनर्जी दे रहा है, कोई मतलब और कुछ काम कर रहा है. तो हर एक सेल के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाएगा. ठीक है, अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलास. एक सेल क्या कर रहा है, वो जिंदा रह रहा है एंड इट इज परफॉर्मिंग अपने सारे बेसिक फंक्शंस इस ऑर्गेनेला की वजह से. दीज ऑर्गेनेलास टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल द सेल. ये जो ऑर्गेनेलास है ना, ये मिलके जिसे कहते हैं बेसिक यूनिट, जिसे मतलब ना जिसे बोलते हैं कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलाज हैं, ये मिलके एक बेसिक सेल को बना रहे हैं. ठीक है, एक बेसिक यूनिट फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम सेल बोलते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सेम ऑर्गेनेला मिलते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. यानी कि कुछ एक्सेप्शन हैं, बट उसके अलावा एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलाज हैं, जैसे पेड़ की बात कर रही हूं मैं, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनेलाज एक पेड़ के मतलब पेड़ के सेल के अंदर हैं, वो सारे पेड़ों में मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एक पेड़ में मिलेगा, कोई दूसरे में मिलेगा. नहीं, सेल सब में सेम होंगे, शेप स्ट्रक्चर सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनेलास जो मेन फंक्शन परफॉर्म करें दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, पर मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगी. बट हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा. ये इसका आंसर हो गया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में, जब वो कॉक स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर देखा, देन दी ऑब्जर्व. और यहाँ पे भी आपको पूरा ये सब चीजें मिल जाएंगी, दिस होल पैराग्राफ, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, पर इसको मैं इस पर वीडियो भी डालूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक कर दूंगी. वाई इज द सेल कॉल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? भाई बेसिक चीज है वो, सेल जो है एक एक सेल है जो इन यू नो जिसे कहते हैं बेस बनाता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल है जो बेसिक यूनिट है, क्योंकि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वहीं पे, और उसके उसी के ग्रुप में आके या अलग अलग तरह के से नए नए फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. सो ये जो रीजन है, इस वजह से हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. बट अगेन एज आई सेड, अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जब मैं इसको क्या कहते हैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिंक शेयर कर दूंगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? We saw above that the cell has special component called organelles. हमने क्या देखा कि सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेला बोलते हैं. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज, एक सेल ऑर्गेनाइज कैसे होता है? इफ वी स्टडी
a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. यानी कि तीन चीजें आपको हर एक सेल में मिलेंगी. आप कोई भी सेल उठा लो, प्लांट, एनिमल, एनी सेल, बट आपको तीन चीजें हर में दिखेंगी. फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. सेकंड है न्यूक्लियस, ये आपको हर सेल में मिलेगा. एंड देन साइटोप्लाज्मा. नोट करने वाली बात ये, इन्होंने सेल वॉल नहीं लिखा है यहाँ पे कि हम लोग डिबेट करें कि प्लांट में होगा कि एनिमल में होगा. इन्होंने तीनों वो चीजें लिखी हैं जो आपको सारे सेल्स में मिल जाएंगी. All activity inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. जितनी भी activity cell के अंदर हो रही है और जो भी interaction हो रहा है cell का environment के साथ, वो इन्हीं तीन features की वजह से possible है. Plasma membrane, nucleus and cytoplasma. ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो almost हर cell में मिल जाएंगी, तो आपको एकदम से आना चाहिए कि ये तीन चीजें हैं. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. काफी डिटेल में दे रखा है, इसको करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं. सो लेट स्टार्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. जब मैं बात करती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर सेल मेम्ब्रेन की, वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो उसके बाहर के मतलब सेल के कंटेंट को, जो भी सेल के अंदर है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दोनों को सेपरेट आउट करती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये एंट्री और एग्जिट, कौन सी चीज मतलब आएगी कौन सी चीज जाएगी, ये सबको इंश्योर करती है. इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, कुछ और चीजों का भी मूवमेंट ये अलाउ करती है या रोकती है, दोनों में से कुछ चीजें, दोनों फंक्शन करती है बेसिकली. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है स्टार्टिंग के, जब आपके टेस्ट वगैरह होंगे, कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है, कुछ को प्रिवेंट करती है, इसी वजह से उसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल. How do substances move out of the cell? कैसे movement होता है substances का किसके अंदर, cell के अंदर, and कैसे substances cell के बाहर जाते हैं. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. यानी कि अगर मैं बात करूँ gases की बात हो रही है, यहाँ पे carbon dioxide और oxygen जो हो गए वो diffusion process से move कर जाएंगे, ठीक है, कोई problem नहीं होगी. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of substances from a region of high concentration to region of low concentration. देखो ये सब आपने पहले भी पढ़ा है. कोई भी चीज जहां पे high concentration में होती है, ठीक है, वहां से it starts and move towards the low concentration. कहां move करती है, low concentration की तरफ move करती है. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो carbon dioxide या oxygen है, जहां पे भी ज्यादा होती है वहां से it will move towards the low concentration. एंड किस प्रोसेस से मूव करती है, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, वी कॉल इट डिफ्यूजन. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 एक्यूमुलेट इन हाई कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल. जब हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्यूलर वेस्ट की फॉर्म में बात करूं, CO2 इकट्ठी हो जाती है काफी ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में. CO2 इकट्ठी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 लो. सपोज हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जब हमने सेल जो खाना था, खाने में से ऑक्सीजन निकाल दी, सॉरी ऑक्सीजन यूज करके हमने एनर्जी निकाल दी, तो हर एक सेल के अंदर CO2 मोर हो जाती है, मतलब ज्यादा हो जाती है, कंसेंट्रेशन बढ़ जाते हैं. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल, वहां पे जो CO2 का लेवल है वो बहुत कम है. इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल. एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे काम करता है ये, क्या होता है, CO2 बाहर क्यों जाती है, क्योंकि सेल के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया है. अब बाहर सेल की, बॉडी के बाहर CO2 का कंसेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू सेल, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो धीरे धीरे CO2 को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी. इसी तरह से O2 भी हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एंटर करती है. जब O2 अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारा जो O2 का लेवल होता है धीरे धीरे क्या होता है,
हम O2 लेते हैं, ठीक है, ओके. नाउ दस डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. डिफ्यूजन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इस क्वेश्चन में CO2 एंड O2 का मूवमेंट समझा दोगे बहुत आसानी से. द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. नाउ वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन. जो वाटर है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है. ओबे मतलब वो उसको फॉलो करता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अभी तक तो गैसेस की बात कर रहे थे. जब गैसेस के बारे में हम बात कर रहे थे तब हम डिफ्यूजन यूज कर रहे थे, ठीक है. क्या यूज कर रहे थे? डिफ्यूजन. जैसे हम लोग वाटर पे आ गए, हमने टर्म चेंज कर दिया, उसके मूवमेंट को हमने बोल दिया ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस, ठीक है. सो वाटर भी क्या करता है, ये जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन है फॉलो करता है. और जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, तब हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इट. यानी कि पानी का मूवमेंट जो होगा किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर या उधर, वो इस बात पे भी अफेक्टेड होगा कि कितना सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया है पानी में. दस ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन. सॉल्यूट मतलब जो चीज उसके अंदर मिली हुई है, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो किस पॉइंट पे डिपेंडेंट होगी कि कितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो रखे, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है यहाँ पे. व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. यानी कि आपने एक एनिमल सेल को या प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन में डाला, किसमें शुगर या फिर सॉल्ट, यानी पानी के अंदर शुगर या सॉल्ट अगर मिला हुआ है उसके अंदर आपने एक सेल को डाला, तो तीन चीजें हो सकती है, मतलब इनमें से कोई एक चीज हो सकती है. ध्यान से देखिए. इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, यानी सपोज सेल है ये, और अगर यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर का जो बाहर का सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, ठीक है. एंड द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो वाटर गेन कर लेगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सपोज आपने एक बाउल लिया, मैं ऐसे समझा देती हूँ. यहाँ पे आपने एक सेल डाला, ठीक है. यहाँ पे ना अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हायर वाटर कंसेंट्रेशन. यहाँ अगर हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, मतलब जैसे हम डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड किस लिए यूज करते हैं, सपोज मैं एक ग्लास पानी लूँ उसमें जरा सी चीनी डालूं, तो वहां पे जो चीज उसके अंदर मिली हुई है, चीनी है, वो बहुत जरा सी और पानी बहुत डाइल्यूट है, मतलब वो बहुत कंसेंट्रेटेड नहीं है. जो पानी है वो काफी ज्यादा है और डाइल्यूट फॉर्म में है. लेकिन अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा चीनी डाल दूं, डब्बा डब्बा चीनी डालती जाऊं, तो वो जो सोल्यूशन है ना वो क्या हो जाएगा आपका, वो जिसे कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी इतना नहीं होगा, उसके अंदर जो अंदर की चीज हमने मिलाई हुई है वो बहुत ज्यादा हो. तो इस केस में जब हमारा जो जो पानी है वो बहुत ज्यादा है बाहर और बहुत डाइल्यूट है, ठीक है, तो ऐसे में क्योंकि हमें पता है पानी ज्यादा बाहर है, तो जो सेल है पानी उसके अंदर मूव कर जाएगा, सेल के अंदर, और ऐसे सोल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल आराम से मूव कर पा रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, लेकिन जो सेल, द मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, जो सेल में पानी है वो ज्यादा जा रहा है और जो पानी छोड़ रहा है सेल को वो कम छोड़ रहा है. यानी कि जो पानी बाहर से अंदर जा रहा है सेल के अंदर वो ज्यादा है, और सेल जो पानी को छोड़ रहा है वो कम है. इसी वजह से फाइनली ये सेल स्वेल अप, इट विल स्वेल, ठीक है. दूसरा केस लेते हैं, जब जो वाटर कंसेंट्रेशन है सेल के अंदर और बाहर, अगर मैं बोलूं यहाँ पे एकदम इक्वल है, यानी सेल कंसेंट्रेशन, जो पानी का कंसेंट्रेशन है वाटर कंसेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ना, अच्छा यहाँ पे मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि क्योंकि दोनों जो कंसेंट्रेशन अंदर है और बाहर है एकदम सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिल रहे, इसलिए सेल अपना एकदम सेम रहेगा. और ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें बाहरी जो कंसेंट्रेशन है एकदम सेम होता है सेल जितना, उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. थर्ड केस लेते हैं,
इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि सेल ये रहा और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन में है, और लो कंसेंट्रेशन मतलब कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट नहीं हो रखा, पानी ज्यादा नहीं है, कम है, तो सेल अपना पानी लूज करेगा क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन सेल के अंदर होगा और जो बाहर है वो लो कंसेंट्रेशन है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। तो आपने अभी के अभी तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, दैट इज फर्स्ट इज हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन जिसमें बाहर का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, आइसो, आइसो मतलब सेम सेम जिसमें दोनों का कंसेंट्रेशन सेम था, एंड देन कम्स हाइपरटॉनिक जिसमें अंदर का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर का ज्यादा था तो बाहर की तरफ पानी मूव कर गया। यहाँ पे ऑस्मोसिस एक बहुत ही स्पेशल केस है डिफ्यूजन का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिली, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, लेकिन ये आप वाटर के साथ देख रहे हो इसलिए हम इसको ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ ये वाली एक्टिविटी है, इसको हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद ये वाली एक्टिविटी, दोनों को कवर करके इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सो इस वाली एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एग के थ्रू ना ऑस्मोसिस शो करना है, तो टीचर आपको क्लास में भी शो कर सकते हैं, बट बेसिकली रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग क्या कर सकते हो, एग की शेल को रिमूव करो और उसको डाइल्यूट मतलब किस में डिसॉल्व करके, HCl में अगर आप डिसॉल्व करके उसकी शेल को रिमूव करोगे तो क्या होगा ना, आपका वो प्रॉपर जिसे कहते हैं ऊपर की शेल निकल जाएगी, जो शेल होती है वो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट होती है, वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब एक थिन आउटर स्किन है जिसने एग को एनक्लोज कर रखा है, ठीक है, तो आपको ऐसे दो एग लेने हैं बेसिकली, एक आपने यहां लिया, इसमें आप क्या करोगे, जो एग है उसको किसके अंदर डालोगे, प्योर वाटर के अंदर, प्योर वाटर मतलब उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, आप उसके अंदर डालोगे, और यहाँ पे लिखा है प्लेस अ सिमिलर डीशेल्ड एग इन अ कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे आप जो एग है उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे, एंड दोनों में आपने वही डी स्किल्ड से कहना चाहिए, पूरा का पूरा जिसकी लेयर निकली हुई है ऐसे एग को डाला, और फाइनली आपने वेट किया 5 मिनट के लिए। इस वाले केस में देखोगे कि जो एग है वो स्वेल हो गया क्योंकि पानी बाहर से अंदर चला गया, बाहर क्या था, डाइल्यूट था वाटर, कंसेंट्रेशन पानी का ज्यादा था, तो इसीलिए हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन वो सेल के अंदर चला गया, इसलिए जो आपका एग है स्वेल हो गया। इस केस में क्या हुआ, वाटर पासिस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, बाहर अंदर से बाहर आ गया वो, क्यों, क्योंकि ये जो पानी है बाहर का ये कंसेंट्रेट होने की वजह से डाइल्यूट नहीं है, लो कंसेंट्रेशन हो चुका है उसका, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सपोज एक नॉर्मल पानी है उसमें आप सॉल्ट डाल दो तो सॉल्ट डालने से जो डाइल्यूट जो पानी का डाइल्यूट था ना वो कंसेंट्रेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो कंसेंट्रेटेड में कन्वर्ट होता है तो इसके बाद पॉसिबल नहीं होता कि वो कहीं पे ट्रांसफर कर सके, तो बाहर यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन में सेल का जो पानी था अंदर का वो बाहर आ गया, तो इस केस में जो आपका एग था बेसिकली वो क्या होता है, बिल्कुल श्रिंक हो जाता है इस केस में, सेकेंड वाले केस में, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे मोर कंसेंट्रेटेड है। तो आपको ये एक्टिविटी याद रखनी है कि जहां पे हम लोग बात करें पानी डाइल्यूट रहेगा या फिर जहां पे जो भी चीज उसके अंदर मिली हुई है उसका कंसेंट्रेशन लो होगा तब तो आपका पानी कहीं पे भी मूव कर जाएगा किसी भी सेल के अंदर, लेकिन अगर बाहर का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई कंसेंट्रेटेड है, पानी का अमाउंट कम है तो वो मूव नहीं करेगा, बल्कि जो सेल आपने उस पानी के अंदर डाला होगा वो इस केस की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेम एक्टिविटी आप लोग रेजिन्स एंड एप्रिकॉट के साथ ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बोला इसने कि ठीक है, पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। जो रेजिन्स होते हैं या फिर एप्रिकॉट्स होते हैं आपकी किशमिश वगैरह, आप उसको डाल के पानी में छोड़ दो, देन प्लेस देम इनटू अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। पहले तो आपने नॉर्मल पानी में डाल के छोड़ दिया, उसके बाद आपने शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, तो पहले जब आपने पानी में डाला था दोनों के अंदर पानी आ गया, मतलब दोनों के अंदर पानी भर गया, ये आपका रेजिन हो गई, किशमिश हो गई, क्योंकि कंसेंट्रेशन बाहर जो था लिक्विड का वो ज्यादा था तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव कर गया। दूसरे केस में क्या होगा, व्हेन प्लेस्ड इन द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपने डाला है, किसके अंदर, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो ये अपना पानी लूज कर देगा एंड ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इट विल श्रिंक। तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपका रेजिन या एप्रिकॉट होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। दोनों एक्टिविटी ये शो कर रही है आपको कि बेसिकली आपको अगर श्रिंक करना है या फिर आपको उसको स्वेल करना है तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, एक बाहर जो कंसेंट्रेशन है प्लस उसके अंदर क्या चीज मिली हुई है।
प्लेन वाटर है तो कोई भी चीज नहीं मिली हुई एकदम, उसका जैसे कहते हैं ना आराम से मूव कर सकता है, लेकिन सॉल्ट या शुगर मिली हुई है तो कंसंट्रेशन उसका कम हो जाता है, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है, सॉरी कम नहीं होता, वो जो सॉल्यूशन है बहुत हाई कंसंट्रेटेड हो जाता है, डाइल्यूट नहीं रहता, जिस वजह से वो तो मूव नहीं करता और कोई सेल उसके अंदर आपने डाला होता है तो वो मूव करता है। नाउ यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर प्लांट सेल होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अगर आपको ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल देखना है तो आपके जो प्लांट रूट्स हैं वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है सॉइल में, तो उसके बाद रूट्स के जो सेल हैं उसके अंदर कम है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं गैसेस एक्सचेंज में, वाटर एक्सचेंज में, सेल के केस में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेल है वो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी चीज बाहर की है सेल उसको इसी प्रोसेस से लेता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल, किससे, एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। यानी देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल आपका डिफ्यूजन हो गया, आपका ऑस्मोसिस हो गया, लेकिन एक और चीज होती है जहां पे क्या होता है ना, आपके कुछ चीजों को मूव करने के लिए आपका एनर्जी यूज होती है। जैसे ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ी एनर्जी की, लेकिन कुछ केसेस में आपको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, द प्लाज्मा, अच्छा ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है ऐसों को हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कौन सा वाला ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत फ्लेक्सिबल है और ये कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है जैसे कि लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से बना है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. तो ये जो plasma membrane layer थी, इसके अंदर lipids होते हैं, इसके अंदर proteins होते हैं, इसको आप detail में 11th class में पढ़ोगे, fluid mosaic model में आप इस चीज को पढ़ोगे, अभी भी थोड़ा बहुत Google करके आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि ये जो structure है plasma membrane का वो आप केवल electron microscope से देख सकते हो। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. जो flexibility होती है cell membrane की, ठीक है, cell membrane कितना flexible है, वो क्या करता है, cell को खाना लेने में help करता है। इस flexibility की वजह से जो cell है वो food को engulf कर पाता है या फिर और चीजों को engulf कर पाता है external environment से। Such processes are known as endocytosis. एक और नया word आया, एंडोसाइटोसिस, जिसमें सेल क्या करता है, बाहर से खाना लेता है जो भी अपनी शेप चेंज करके इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। बेस्ट एग्जांपल आपको इसका देखने को मिलेगा अमेबा में। अमेबा क्या करता है, खाने को अंदर लेता है विद अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अभी आपने कुछ मेन पॉइंट पढ़े, मैं इसको रिविजन करा देती हूँ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। आपने तीन तरह के सोल्यूशन पढ़े, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया, उसके अलावा आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। इट डिपेंड्स कि बाहर जो चीज है उसका कंसेंट्रेशन कैसा है, इस पर बहुत डिपेंडेंट करता है। ठीक है, और ऑल्सो जो मेन चीजें हैं, जस्ट गिव मी वन मिनट, सॉरी, हाँ, सो जो भी मेन चीजें आपकी डिपेंड करती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, कि आपका बाहर का कंसेंट्रेशन कैसा है। जो वाटर है, प्लेन वाटर है, ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ मिला हुआ है तो उस वाटर का कंसेंट्रेशन कैसा हो जाता है, डायल्यूट नहीं रहता, बहुत हाई कंसेंट्रेटेड हो जाता है। कंसेंट्रेटेड का मतलब उसके अंदर कौन सी चीजें मिली हुई है, कंसेंट्रेशन इज अलग, कंसेंट्रेटेड यहाँ पे अलग बात हो रही है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही बेसिक चीज है ये। तो ये जैसे आपको क्लियर होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आप और चीजें ढूंढ सकते हो इंटरनेट से, काफी सारी चीजें यू कैन डिस्कवर। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन आ गया कि सब्सटेंसेस CO2 एंड वाटर कैसे मूव करते हैं, यहाँ पे आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सब कुछ समझाना है, और सेम क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। तो आई थिंक आप इसको कवर कर लोगे, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी, फिर से बोल रही हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पेस्ट द लिंक। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेल वॉल, कि सेल वॉल क्या होता है। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, इन प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे हैव अ रिजिड, बाहर की आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। ये जो सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है दिस इज योर सेल वॉल। ठीक है,
सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कम्पोज ऑफ सेल्यूलोज. जो आपके प्लांट सेल वॉल में जो जिसे कहते हैं ना कि जो वॉल है वो बेसिकली सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है. ठीक है, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये जो सेल्यूलोज होता है. ठीक है, यानी कि कोई भी चीज अगर काम कर रही है यहाँ पे सेल्यूलोज जो है वो उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. वेर अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. तो इसने क्या बोला कि सेल वॉल इंटैक्ट रहती है, कोई भी चीज अगर लूज करती है वाटर लूज करती है तो वो क्या होता है ना, इसने क्या बोला, श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अंदर की तरफ होता है वो. ठीक है, उसके अलावा दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. इस फिनोमिना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, जब कोई चीज श्रिंक होती है अंदर की तरफ आती है, यू नो कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये आप एक्टिविटी करोगे तो आप लोग इसको नोट कर पाओगे. एक मिनट रुकिए, मैं आपको इस एक्टिविटी को भी समझा देती हूँ. सो अब आपको क्या करना है, रोइयो लीव जो होती है उसको पानी में डालिए, उसको एग्जामिन करना है सेल जो हाई पावर माइक्रोस्कोप होता है उसके साथ, और इसके अंदर ना स्मॉल ग्रीन ग्रैनुल्स होते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. अब आप जब ये स्लाइड बनाओगे तो आपको शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करना है स्लाइड के ऊपर. ठीक है, आप वेट करिए एक मिनट का, ऑब्जर्व करिए अंडर द माइक्रोस्कोप. आप नोट करोगे सपोज सेल जो है, ठीक है, अगर ऐसे सेल वॉल थी तो जो अंदर का कंटेंट है वो ऐसे, मतलब समझ रहे हो, सेल वॉल नहीं हटी, अंदर का कंटेंट ऐसे पिचक गया, तो बाहर की सेल वॉल इंटैक्ट है और ये जो अंदर का कंटेंट है ये पिचक गया. तो ये आपको देखने को मिलता है रोइयो लीफ में, अगर आप बाहर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसी कोई चीज डाल रहे हो ना. दूसरे एग्जांपल में उन्होंने क्या करा है, बॉइलिंग वाटर में आपने रोइयो लीव्स को बॉइल करा है, इससे क्या होता है सेल किल हो जाता है, इट विल किल द सेल. और उसके बाद अगर आप सेम चीज परफॉर्म करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि कोई भी चेंज नहीं आया. तो बेसिकली इस एक्टिविटी से दो चीजें पता चलती हैं, एक तो सेल वॉल इंटैक्ट रहती है, दूसरी चीज अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हो डेड सेल पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, केवल इट वर्क्स, दिस ऑस्मोसिस वर्क्स ऑन द लिविंग सेल ओनली. तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं, ऑस्मोसिस जो है आपका वो केवल लिविंग सेल पे काम करेगा. ठीक है, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. हम क्या चीज इससे इन्फर कर सकते हैं, क्या चीज हम इससे निकाल सकते हैं, और इससे ये पता चलता है कि केवल लिविंग सेल और डेड सेल नहीं, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. ये एक एक्टिविटी का इन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं, क्या चीज हमने निकाली. नाउ सेल वॉल का फंक्शन क्या है, वो बहुत ही एक्सटर्नल हार्श कंडीशन में सेल वॉल सेल को बचा के रखता है. कोई भी चीजें चेंजेस आए, जैसे कि अगर डायल्यूट आपने कुछ भी चेंजेस करे हैं, कुछ भी ऐसा जिसे कहते हैं ना बाहर चेंजेस भयंकर वाले आ रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, वेदर एवरीथिंग, इससे हमारा जो सेल वॉल है ना वो बचा के रखता है सेल को. इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऐसे मीडिया में जो सेल है वो वाटर ले लेता है बाय ऑस्मोसिस. ठीक है, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. ऐसे उसने क्या बोला कि एक बार फिर से बता देती हूँ, सेल वॉल ने सेल ऑफ प्लांट्स फंजाई या बैक्टीरिया को डायल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, मतलब कि फटने नहीं देता और कोई भी चेंजेस है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है. ऐसे केस में सेल पानी ले लेता है, सेल स्वेल हो जाता है जिससे प्रेशर बिल्ड होता है सेल वॉल के अगेंस्ट, और ये जो सेल वॉल है वो एक्सर्ट करती है इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल. बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम द एनिमल सेल. तो आपने जैसे किसी सेल को आपने किसी सॉल्यूशन में डाला था और वो सेल फूल गया था तो इससे प्रेशर बिल्डअप हुआ, लेकिन यही सेम प्रेशर सेल वॉल ने भी सेल की तरफ डाला, एंड ड्यू टू होल ऑफ दीज प्रोसेस जो सेल वॉल था उसने सेल को प्रोटेक्ट करके रखा, वरना इसमें तो फट जाता वो, पर वो फटने नहीं देता है. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हमने ये सेल वॉल खत्म कर लिया है. इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस की तरफ बढ़े, तो इस वाले पार्ट पे हम लोग न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं. रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, वाई, वट वुड वी सी इफ वी ट्राई ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज, फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड. मतलब उसने बोला कि जब हम लोगों ने अनियन पील प्रिपेयर की थी तो हमने उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला था. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे या नहीं डालोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा. बेसिकली इन सब चीजों से ना अलग अलग जो रीजन होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंशियली. मतलब कि अगर कोई और चीज है जो अलग दिखनी है
तो वो अलग तरह से कलर्ड होती है, कोई और चीज़ है वो अलग तरह से कलर्ड होती है। तो अब इनकी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ अलग अलग तरह से कलर्ड होती है। सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स, कई रीजन दूसरों से काफ़ी डार्क अपीयर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सेफ्रोनिन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल। तो पहली बात तो स्टेनिंग क्यों होती है, ठीक है, स्टेनिंग क्यों होती है, स्टेनिंग से हम लोग अलग अलग पार्ट्स को देख पाए इसलिए स्टेनिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज, आप कौन सी चीज डाल रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमने स्टेनिंग की बात करी, अब ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस वाली एक्टिविटी को हम लोग कवर कर लेते हैं, बट बिफोर दैट इस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द न्यूक्लियस टू इट आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्मा। इसने क्या बोला कि अगर न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर कवरिंग है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, छोटे छोटे से होल्स हैं जो कि किसी भी मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं। अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन साइड द न्यूक्लियस, उसके बाद बाहर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो विजिबल है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स की तरह से, रॉड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की तरह से ये अवेलेबल है। ओनली सेल इज अबाउट टू डिवाइड, यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो क्रोमोसोम आपको तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम दिखेंगे, इसके बारे में आप 11th में अगेन अच्छे से पढ़ोगे 11th की बायोलॉजी में, लेकिन ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है आपको तब दिखते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है ना, डीएनए होता है। नाउ क्या बात हो रही है, क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की फॉर्म में होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना इसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जो नेसेसरी है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल को। फिर से सुनो, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जरूरी है सेल्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ढंग से सेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज मतलब कहाँ पे क्या लगना है, इन सब चीजों के लिए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द जीन। देखो एक सिंपल सा इसको शॉर्ट में करते हैं, पहले हमने पढ़ा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो तभी दिखता है जब सेल डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होते हैं। डीएनए के अंदर इसने क्या बोला, जीन्स होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी डीएनए का वो सेगमेंट जिसे बोलते हैं जो मेन काम करता है वो जीन होता है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। देखो जिसमें एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, डीएनए कैसे प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट है, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो क्रोमेटिन, देखो क्रोमेटिन मटेरियल को अगर सिंपल फॉर्म में बताऊं ये भी आपका क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है लेकिन पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, पैक्ड फॉर्म में होता है। तो जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो पैक्ड फॉर्म में डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो विजिबल होते हैं कैसे, जैसे ऐसे ऐसे थ्रेड, एक तरह से ऐसे उलझे हुए जो थ्रेड्स होते हैं ना, वैसा ये क्रोमेटिन मटेरियल आपको दिखता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। जब भी सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी कभी भी सेल अगर डिवाइड होने वाला होगा तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे इनटू क्रोमोसोम। मतलब आप एक बात सोचो, सिंपल सी बात है, उसने बोला कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो ऐसा ना पूरा का पूरा ऐसे गुच्छों में, जैसे कहते हैं ऐसे, मतलब रफ स्ट्रक्चर, इसमें आपका सारा का सारा मतलब जितना भी है ये क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन ये तब का केस है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे सेल डिवाइड होगा ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स अलग अलग तरह के होते हैं, इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है जब डिवाइड होता है, बिना डिवाइड हुए ऐसे, डिवाइड होते टाइम ऐसे। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। देखो अगर मैं बात करूं जिस टाइम पे कोई भी सेल डिवाइड होता है
उस टाइम पे न्यूक्लियस होता है जो एक एक सेल में जाता है, एक दूसरे सेल में जाता है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। यानी कि इसका एक और काम होता है कि ये देखेगा कि किस तरह से सेल डेवलप करेगा, किस फॉर्म में वो अपनी मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और किस तरह से उसके अंदर केमिकल एक्टिविटी, मतलब न्यूक्लियस उस पर्टिकुलर सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज जनरेट करता है, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि सेल किस तरह से डेवलप होगा या फिर वो क्या मैच्योरिटी पे क्या स्टेज या क्या फॉर्म एग्जिबिट करेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स पढ़ा था 8th क्लास में, एक छोटा सा पैराग्राफ था, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन जो होता है ना सेल का वेल डिफाइंड नहीं होता, वो ऐसे रैंडम रफ स्ट्रक्चर होता है, आपको प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। ऐसा एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जिसे हमें बोलना चाहिए जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, रफ स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर केवल न्यूक्लिक एसिड है, उसे हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो इन शॉर्ट प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। सच ऑर्गेनिज्म हूज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है, एंड कैरियोट मतलब कैरियन यानी न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स क्या हैं, मतलब वो सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो एक है प्रोकैरियोट, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो वो क्या होता है ना, न्यूक्लियोइड बहुत रफ सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, बढ़िया तरीके से प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होता है। इसी बेसिस पे हम लोग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को सेपरेट आउट कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेला प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसके बीच का डिफरेंस पे एक वीडियो में करवाऊंगी, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेंगे। मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलास आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मा। यानी कि उसके अंदर अच्छे से, जैसे जो बाकी ऑर्गेनेलास जो यूकैरियोट्स में दिखने चाहिए वो प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखते हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं ऑर्गेनेला के जो पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट, मतलब जो ढंग से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, वो ऐसे ही काम चला रहे हैं, वो काम करते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। तो इसने क्या बोला, देखो जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, मतलब वो वेसिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली जो क्लोरोफिल है उसका रिलेशन प्लास्टिड के साथ होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको बता दिए गए हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो का, जिसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्मा की तरह बढ़ेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग इसको भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया है कि साइज क्या होता है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, इसमें बिल्कुल डिफाइंड नहीं होता, इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें वन से ज्यादा होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस हो गए, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही है कि आपको गैप्स को फिल करना है, ये वही क्वेश्चन है। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड साइटोप्लाज्मा पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल enclosed बाय द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि जब भी मैं एक अनियन पील यानी प्लांट सेल या एनिमल सेल देखती हूँ, एक बड़ा सा सेल दिखता है, ठीक है, उसमें एक बीच का एरिया दिखता है। ये जो रीजन है ये बहुत थोड़ा सा स्टेन लेता है, दिस टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, एंड ये जो बीच का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जिसपे मैंने ऐसे ड्रॉइंग बना दी है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये पूरा, ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्मा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेन के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर है कि सेल ऑर्गेनेलास आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। जितने भी सेल ऑर्गेनेलास होते हैं, जो इस साइटोप्लाज्मा के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलास होते हैं,
इनके आसपास मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मतलब अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो न्यूक्लियर रीजन अच्छे से ना होने के अलावा उसमें जो सेल बाउंड ऑर्गेनेला होते हैं वो भी नहीं होते हैं, दोनों ही चीजें नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेला। तो अगर मैं प्रो और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताऊं, तो एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर होता है, और इसमें वेल डिफाइंड प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेला नहीं होते, इसके अंदर होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि अगर हम मेम्ब्रेन कह रहे हैं, मेम्ब्रेन ये वो, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो भाई, वायरसेस के अंदर अगर हमारा मेम्ब्रेन नहीं होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, लिविंग नहीं मानते हैं, अंटिल एंडलेस वो किसी होस्ट की बॉडी में ना चला जाए और वहां पे वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव ना करे। मतलब जब तक वो किसी भी होस्ट की बॉडी से बाहर रहता है ना, तब तक हम उसे नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम उसको लिविंग कंसिडर करते हैं अगर वो किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाए। तो इसीलिए सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्या होना आपका, कहते हैं पूरा मेम्ब्रेन होना। तो ये डिफरेंस है, ये हम यहीं की यहीं खत्म कर चुके हैं। नाउ सेल ऑर्गेनेलास को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलास हैं, क्या क्या चीजें हैं। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के पास एक मेम्ब्रेन है जो उसके बाहरी जो पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे उसके कंटेंट को अलग रखती है। जो बड़े और कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो सिंगल सेल है या जिसकी भी बात करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं होती, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शंस वहां पे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इन सब एक्टिविटीज को अलग अलग रखने के लिए हर सेल में अलग अलग ऑर्गेनेलास होते हैं। दे हैव दिस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनेला कहलाते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेला आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहली बात तो जो यूकैरियोट्स है, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिसको ऑर्गेनेला बोलते हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्सो इन ऑर्गेनेलास को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेला विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेला। हम लोगों ने इनके बारे में केवल सुना सुना था 8 तक। नाउ अब हम इनको पढ़ेंगे। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम ऑफ द क्रूशियल फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो ये जो आपको लाइन में दिखा रखे है ना, दीज आर द ऑर्गेनेला और इनके फंक्शन क्या है हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दैट इज ER। इसको जनरली शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ये जो ER होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एंड शीट्स का। तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और जिसे कहते हैं ना शीट्स का एक पूरा नेटवर्क है। यहाँ पे आप देखो, ये स्मूथ और रफ दे रखा है, डिफरेंस आपको भी बताएंगे। तो ये आपका क्या कहते हैं ER हो गया। इसके ऐसा लगता है जैसे कि आपके ना बैग्स हैं या फिर लॉन्ग ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो ER मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से काफी हद तक सिमिलर होती है, ठीक है, काफी हद तक सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में। और ये बात याद रखना, दो टाइप के ER होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके पास दो तरह की ER है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface. ये जो RER होता है ना, ये rough लगता है। क्यों rough लगता है? क्योंकि इसके ऊपर ribosome के particles attach होते हैं, तो खुरदुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो smooth होते हैं उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो rough के ऊपर यहाँ पे देखो दिखा रखा है, यहाँ पे rough में क्या है आपका, ऊपर इसके ribosomes हैं, smooth में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, चपटा चपटा सा है। तो ये जो राइबोसोम्स है, नाउ द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द
The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on need using the ER. जो प्रोटीन बनते हैं ना वो ER की हेल्प से जहां पे जरूरत होती है वहां पे भेजे जाते हैं. The SER that is smooth endoplasmic reticulum वो फैट मॉलिक्यूल लिपिड्स इन सब चीजों के सिंथेसिस में हेल्प करता है. अगर मैं रफ ER की बात कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन बनता है और इस प्रोटीन को वो डिपेंडिंग कहाँ पे भेजना है वहां पे अलग अलग पार्ट्स में भेजता है. लेकिन SER यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स के उसमें काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में. एंड ये सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. कुछ इसमें से जो प्रोटीन और लिपिड्स है वो सेल मेम्ब्रेन बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें क्या, जिसमें सेल मेम्ब्रेन बनने में हेल्प हो रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, सेल मेम्ब्रेन. तो इसने क्या बोला कि ये जो SER होता है मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल या लिपिड्स की, और हाँ क्योंकि ये मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है तो इसको बायोजेनेसिस बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स. कुछ ऐसे प्रोटीन एंड लिपिड हैं जो कि फंक्शन करते हैं एंजाइम की तरह और हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं या फिर हार्मोन की तरह वर्क करते हैं. नाउ इसने क्या बोला, भले ER अलग अलग दिखता है, लाइक ऐसा लगता है कि बहुत ही अलग अलग जगह पे ER है, ये एकदम वेरी कर रहा है, इसकी अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है जो आपस में कनेक्टेड है. तो आपने पढ़ा ER दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डिफरेंस इस बात पे है कि राइबोसोम किस पे है किस पे नहीं है, दोनों का फंक्शन अलग है, एक प्रोटीन में हेल्प कर रहा है एक फैट और मेम्ब्रेन में हेल्प कर रहा है. दस वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. तो एक अगर मैं ER के फंक्शन की बात करूं तो पहला तो वो क्या कर रहा है, ये जो प्रोटीन्स है उसको अलग अलग रीजन में भेजने का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम है, इसीलिए वो प्रोटीन्स को अलग अलग पार्ट्स में भेज रहा है. दिया ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. उसने क्या बोला, बहुत important चीज उसने बोली है कि ER function करता है as a cytoplasmic framework, ठीक है, मतलब कि वो surface दे रहा है जहाँ पे biochemical activity हो सकती है cell के अंदर. In the liver cell of group of animal called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs. तो बहुत important है, ये छोटे छोटे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे. इसने क्या बोला कि जो लिवर सेल होता है एनिमल, जैसे कि वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो SER है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है ना, पॉइजन और ड्रग्स को रिमूव करने में हेल्प करता है. हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं तो हमारी बॉडी के अंदर SER जो होगा वो जो भी हमारा लिवर होता है ना, लिवर के अंदर जो भी हम चीजें खाते हैं जैसे कहते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें हेल्प करता है, ठीक है. दोनों स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, यहाँ पे एनिमल सेल है यहाँ पे प्लांट सेल है, इसके बीच का डिफरेंस भी पढ़ा जाएगा लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही पढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग गोल्जी अपैरेटस पढ़ते हैं, ठीक है. गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि फ्लैटेंड सैक यानी बैग जैसे कि स्ट्रक्चर्स हैं. एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे इसने दिखा रखा है, देखो ये रहा गोल्जी अपैरेटस, ठीक है. तो गोल्जी अपैरेटस के बारे में इसने क्या बोला, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हो गए, यहाँ पे भी देखिए गोल्जी अपैरेटस, ठीक है. और एक सेकेंड रुकिए, यस ठीक है. और ये क्या बोल रहा था, ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल अरेंज होते हैं, यानी ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं पैरेलली, किस फॉर्म में, स्टैक्स को, जिसको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं, ऐसे स्टैक्स को हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं. तो ये जो गोल्जी अपैरेटस है ये पैरेलल एक दूसरे के ऐसे स्टैक्स में अरेंज है जिसको सिस्टर्न्स बोलते हैं. दीज मेम्ब्रेन ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, इनका कनेक्शन होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द ER, समझ रहे हो आप लोग. इन्होंने क्या बोला, ये सिस्टर्न्स जो गोल्जी अपैरेटस के जो ये पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी कई बार दे हैव द कनेक्शन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसीलिए ये अपने आप में क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ पहले हमने पढ़ा कि गोल्जी अपैरेटस किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, फ्लैटन स्ट्रक्चर्स हैं, सैक जैसे स्ट्रक्चर जो आपस में पैरेलली अरेंज है जिसको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं, ये ER के साथ कई बार कनेक्शन में फॉर्म करके कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है. द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी अपैरेटस. लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें ये तो पता ही नहीं चला कि गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है. तो बेसिकली जो भी चीजें ER ने बनाई
वो पैक और डिस्पैच करने का काम गॉल्जी अपैरेटस का है। सेल के अंदर, सेल के बाहर जो भी चीज ईआर में बनी उसको पैक या डिस्पैच, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम गॉल्जी अपैरेटस का है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। तो क्या करता है, स्टोरेज करता है, उसको चेंजेस लाने होते हैं उसके अंदर, जो भी चीज बनी है उसके अंदर, या फिर पैकेजिंग का काम ये आपका कौन करता है, वैसे क्या कहते हैं, गॉल्जी अपैरेटस करता है। कई केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर में भी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गॉल्जी अपैरेटस। कई बार जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं वो भी बनाई जाती हैं सिंपल शुगर से, किसके अंदर, गॉल्जी अपैरेटस के अंदर। और ये लाइजोजोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। नाउ क्वेश्चन आएगा कि लाइजोजोम क्या होता है, लाइजोजोम अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक दो मेन मेन चीजें हैं जो खत्म कर लेते हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कैमिलो गॉल्जी के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने ब्रेसिकिया में, ही वॉज बॉर्न इन ब्रेसिकिया, उन्होंने मेडिसिन स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 उन्होंने पाविया में वर्क किया एंड हॉस्पिटल में काम किया उन्होंने, इसका नाम लिखा हुआ है। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम, यानी स्टार्टिंग में वो जो काम कर रहे थे उनका सारा काम रिसर्च नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था। 1872 में उन्होंने एक्सेप्ट करी पोस्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की, जो हॉस्पिटल है क्रॉनिकली, मतलब जो बहुत ही बीमार लोग होते हैं उनके लिए था। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इन टू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ दिस हॉस्पिटल। जो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन थी एक छोटे से किचन में उन्होंने स्टार्ट करी, उसके बाद उन्होंने उसको लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया उस किचन को। हाउ एवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस जो गॉल्जी ने कैरीड आउट किया, जो बहुत टाइम तक हुआ, वो था मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स। उन्होंने अलग अलग नर्व्स को, सेल स्ट्रक्चर्स को, स्टेन किया। इसको बोला गया था ब्लैक रिएक्शन, इस मेथड को जिसमें उन्होंने स्टेन किया था इसको ब्लैक रिएक्शन बोला गया। दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशंस ऑफ द सेल। बेसिकली सेल के अंदर जो जो चीजें चल रही होती हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है ये ब्लैक रिएक्शन, जो सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से होता है। उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने ये सब काम करते रहे, मॉडिफाई करते रहे, अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव करते रहे। उसके बाद उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले। उन्होंने 1906 में जो था एक अवार्ड, मतलब ही अर्न, एंड उन्होंने एक और पर्सन के साथ ये अवार्ड शेयर किया था जो नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहा था। नाउ ये तो हम लोगों ने गॉल्जी के, जिन्होंने खोज करी उनके बारे में पढ़ लिया। अब वी विल स्टडी अबाउट द लाइजोजोम। स्ट्रक्चरली लाइजोजोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। बेसिकली जो लाइजोजोम्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है ना, ये जिसे कहना चाहिए, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर ना एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। दे आर फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। ये जो एंजाइम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मतलब बनते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें भी पढ़ी थी कि कई बार गॉल्जी अपैरेटस लाइसोजोम बनाने में भी हेल्प करता है। बेसिकली इट्स डस्टबिन, ये कह सकते हो कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये सेल का। वन लाइन में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, क्या होता है, और ये हेल्प करते हैं क्लीन रखने में दे हेल्प द कीप द सेल क्लीन, यानी कि सेल को साफ सुथरा रखते हैं। कैसे, जो भी खराब सेल होते हैं या कोई फॉरेन मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं लाइजोजोम्स। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइजोजोम। कोई भी चीज जो सेल के अंदर एंटर करती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, खाना हो गया, ये कोई भी ऑर्गेनेल है, वो लाइजोजोम में जाके एंड कर जाते हैं। विच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो लाइजोजोम क्या करते हैं, कोई भी वेस्ट, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी डेड सेल, इसको वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जाम्पल When the cell get damaged, अब एक और केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि सपोज सेल का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, खराब हो गया, सेल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, तो जब सेल डैमेज होता है ऐसे में लाइजोजोम बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, और जो एंजाइम है वो खुद का ही सेल डाइजेस्ट कर लेता है। सो इसीलिए, बिकॉज वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, दिस रीजन से उसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि वाई लाइजोजोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान में रख के पढ़िएगा। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन, ये तो आप हमेशा पढ़ोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन क्यों, क्या, कैसे, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है।
आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज्यादा पोरस होती है और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये तो एक चीज हुई। नाउ दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो फोल्ड माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ना, इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बढ़ते हैं। मतलब ये एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बढ़ाने में हेल्प करता है जिससे एटीपी फॉर्म हो। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, जो पावर हाउस हम उसको कह रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है, वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है। और बॉडी जो होती है वो एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, हमारी बॉडी जो एटीपी में एनर्जी स्टोर है उसको यूज करता है ताकि नई चीजें बनाए या फिर वर्क को कंडक्ट करे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसीलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन को बना पाते। तो ये तो बेसिक चीजें हुई कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, लाइसोसोम ने क्या किया, गॉल्जी बॉडीज ने क्या किया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस में सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग वीडियो में और एक्सरसाइज क्वेश्चन एक अलग वीडियो में कवर करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी लिंक, वरना आप 9th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नाउ प्लास्टिड पढ़ लेते हैं, बहुत थोड़ा सा टॉपिक रह गया है विच वी विल कंप्लीट। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स, जिसके अंदर कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्या बोल रहा है, वो पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आपने सबने सुना है, 7th क्लास से आप लोग सुनते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में कई सारे येल्लो या ऑरेंज पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। ल्यूकोप्लास्ट इज बेसिकली, जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल प्राइमरीली ऑर्गेनेला है, जिसमें मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सब कुछ स्टोर होते हैं। ठीक है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी, अंदर का जो है उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, और ये सब एक साथ सिचुएटेड है, जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। एम्बेडेड है एक मटेरियल में ये सारी मेम्ब्रेन, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये सिमिलर है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी कि जैसा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है वैसे ये स्ट्रोमा दिख रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी उनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। नाउ विक्योल की बात करते हैं। विक्योल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, विक्योल बहुत छोटे साइज के होते हैं एनिमल्स में और बहुत बड़े होते हैं प्लांट्स के अंदर। द सेंट्रल विक्योल ऑफ सम प्लांट मे ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कई बार इतने बड़े होते हैं ये प्लांट सेल में कि मोस्टली, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बीच में जो बड़ा सा पोर्शन है, दिस इज विक्योल। तो इसने पूरी जगह घेर ली है। ठीक है, ये जो बीच में इसने पूरी जगह घेर ली, इसको हम लोग विक्योल बोल रहे हैं। 50-90% ऑफ द सेल की जितनी जगह है उसमें, उसमें से ये कवर कर लेता है। प्लांट सेल में विक्योल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो इसका एक फंक्शन और है कि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, अंदर से टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये सेल सैप से भरा हुआ है। मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन विक्योल्स। कई ऐसी चीजें जो प्लांट की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो विक्योल में स्टोर होती हैं। इसमें अमीनो एसिड्स आ गए, शुगर, कई ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए और कुछ प्रोटीन्स आ गए। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमेबा, आपको पता है ये अमेबा सिंगल सेलुलर होता है, उसमें जो फूड विक्योल है उसमें फूड आइटम होते हैं दैट द अमेबा हैज कंज्यूम्ड। जो भी चीजें अमेबा ने खाई हैं
वो सारी चीजें उसके वैक्यूल में होती हैं अगर मैं सिंगल सेल अमेबा की बात करूं तो। कई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में उनके पास स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज में? वो एक्सेस वाटर को बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, मतलब सिंगल सेल में कई बार वो स्टोर करते हैं एंड एक्सेस चीजों को बाहर भी निकालते हैं। ये क्वेश्चन अभी एक वीडियो में कवर करेंगे, फिर से बोल रही हूँ, आप इस सबको जरूर चेक कर लीजिएगा, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए। हर सेल, इसीलिए उसका एक स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन करने की एबिलिटी है, उसके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस हैज द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको बेसिक काम करने देता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन लेना, वेस्ट मटेरियल रिमूव करना, नए प्रोटीन्स बनाना। एंड दैट इज रीजन बिकॉज एवरी, ये भी एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बट यही रीजन है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोला जाता है सेल को, बिकॉज हर एक सेल में ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि वो बेसिक फंक्शन कर सके। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर दैट इज सेल डिवीजन। देखो, नए सेल हर बार बनते रहते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, ओल्ड को रिप्लेस करे, डेड एंड इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करे, और गैमेट्स भी बनते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, ऐसा प्रोसेस जिससे नए सेल बनते हैं उसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। दो तरह के सेल डिवीजन है जिसको बोलते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। एक ऐसा डिवीजन का तरीका जिसमें ज्यादा से ज्यादा सेल डिवाइड कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। माइटोसिस में एक मदर सेल जो है वो डॉटर सेल बना रही है, ठीक है, क्या बना रही है, डॉटर सेल बना रही है। द टू डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज द मदर सेल, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम है जितने मदर के अंदर थे। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म, ये ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे इसने क्या बोला, कई ऐसे सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या टिश्यूज में जो डिवाइड करते हैं ताकि वो गैमेट बनाए और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ऑफस्प्रिंग को जन्म दे। तो ये डिवाइड करते हैं डिफरेंट प्रोसेस से, जैसे कि अगर मैं स्पर्म की बात कर लूँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट प्रोसेस जिसमें मियोसिस में दो कंसेक्यूटिव डिवीजन हो रहे हैं। मियोसिस में एक डिवीजन यहाँ पे हुआ, एक डिवीजन यहाँ पे हुआ, इसमें तो केवल एक हुआ था माइटोसिस में, मियोसिस में दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन हो रहे हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करता है मियोसिस की हेल्प से तो वो 4 नए सेल बनाता है दो बनाने की जगह। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट ऑफ मदर सेल। बहुत अच्छा डिफरेंस है इसको इसी टॉपिक का, सिर्फ 9th क्लास के बेसिस का, नॉट 11th का। मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी और आपके लिए डाल दूंगी, वो चैनल पे आप देख सकेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे तो डिट्टो जितना मटेरियल यहाँ पे था उतना डिट्टो मटेरियल कॉपी हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम नहीं होते, यहाँ पे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया है जिसमें हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए। ये एक ही चैप्टर की एक ही वीडियो है जिसको आप देख सकते हो, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज मैं हर दिन वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं और वीडियो भी अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसकी जो एक्सरसाइज की और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगी, एंड वो भी आपको डिटेल में मैं बता दूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।